सब्सक्राइब करन्तु टेक्सन्ज चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियन्तु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। समस्त बंधु मानको सादर प्रणाम जनाउछि मु संजय। चालन्तु आजिर अपडेट विषय रे आलोचना करिबा। हाय फ्रेंड्स, मु संजय आपनको टेक्सन्ज चैनल को स्वागत जनाउछि। आजिर अपडेट नंबर रहिछि 82। एही अपडेट रहिछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट तरफ रास्तिया गोटे लेटर। लेटर नंबर रहिछि 8367, डेटेड रहिछि 15/3/2021। लेटर टी करछन्ति संजीव चोपड़ा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। लेटर कराइछि टू ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल एचओडीस एंड ऑल कलेक्टर्स। सब्जेक्ट रहिछि अपडेशन ऑफ ई सर्विस बुक रो अपडेट पई लेटर टी कराइछि। मैडम सर, इन इनवाइटिंग रेफरेंस टू दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर 34297, डेटेड 28/11/2019, ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आई एम टू से दैट इट हैज बीन डिसाइडेड टू अपडेट ऑल द डाटा ऑन ई सर्विस बुक सो दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द ई सर्विस बुक शैल मैंडेटोरली बी मेड ऑनलाइन इन HRMS WF 1st of June 2021। HRMS माध्यम रे कर्मचारी मानकर सर्विस बुक वा ई सर्विस बुक अपडेट करिया पई कह जायछि, जहां 1 June 2021 सुधा शेष करिया पई कह जायछि। फॉर द पर्पज यू आर रिक्वेस्टेड टू मोबिलाइज रिक्वायर्ड रिसोर्सेस सच एज मैन पावर एंड नेटवर्क कंप्यूटर सो एज टू इनिशिएट द वर्क फ्रॉम 2nd of April 2021 एंड कंप्लीट द टास्क बाय प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन फॉलोइंग द वर्क प्लान बिलो। तो यही कार्य 2 April 2021 ठार आरंभ कर 1 June 2021 सुधा शेष करने कहुई। द एस्टाब्लिशमेंट अफिसर विल शेयर द ओरिजिनल सर्विस बुक विथ द डिलिंग आसीस्टान्स अफ द एस्टाब्लिशमेंट ब्रांच टू अपलोड द रिलेवेंट डाटा फ्रम फिजिकाल SB टू ESP। एस्टाब्लिशमेंट अफिसर कर्मचारी मानकर समस्त ओरिजिनल सर्विस बुक डाटा को डीलिंग आसीस्टेंट को ट्रांसफर करेंगे, जहाद्वारा से ही फिजिकाल सर्विस बुक डाटा गुड़ी को ई सर्विस बुक रे ट्रांसफर कर अपलोड कर। द DSL एंटर दि डाटा यूजिंग देयर एक्जिस्टिंग यूजर क्रेडेनसीयल्स। द नेम ऑफ कंसर्न DA मे बी शेयर्ड विथ ED, CMGI और CMGI डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हु विल एनेबल दि ई सर्विस बुक अपडेशन फंक्शन इन देयर फेवर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अप्रोक्सीमेटली 15 सर्विस बुक ऑफ ग्रुप सी आर और डी एम्प्लॉयज और 5 सर्विस बुक्स ऑफ ग्रुप ए एंड ए और बी एम्प्लॉय कैन बी अपडेटेड बाय 1 day DA इन ए डे। तो ग्रुप सी एवं डी रो कर्मचारी मानकर सर्विस बुक दिन को 15 अपडेट करा जिवो एवं ग्रुप ए एवं बी को कर्मचारी मानकर सर्विस बुक दिन को 5 अपडेट करने कई। अकॉर्डिंगली नेसेसरी मैन पावर रिक्रुटमेंट कैन बी वर्कड आउट डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन एस्टाब्लिशमेंट। एडिशनल मैन पावर एंड कंप्यूटर्स विथ नेटवर्क फैसिलिटी मे बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज इफ रिक्वायर्ड टू मीट द डेडलाइन ऑफ 31st May 2021। The DAs may ordinarily not be assigned on any other duties during e-service establishment. तो e-service book को अपडेशन टाइम रे डीलिंग आसीस्टाट मान को अन्य कौन सी कार्य नियोजित करना। दि एस्टाब्लिशमेंट अफिसर शाल अथेन्टिकेट ऑल द एंट्रीज बाय द DA ऑन द सेम डे आफ्टर हुईच द e-service book शाल बी एक्सेसिबल टू द कनसर्न एम्प्लॉय फॉर वेरिफिकेशन। तो एस्टाब्लिशमेंट अफिसर से ही दिन समस्त कार्य बा ई सर्विस बुक रो ऑथेंटिकेट करिवे एंड SMS अलर्ट विल गो टू दि कंसर्न्ड एम्प्लॉय वन्स दि ऑथेंटिकेशन इज कंप्लीटेड बाय दि एस्टाब्लिशमेंट अफिसर। जेतेबेले एस्टाब्लिशमेंट अफिसर को ऑथेंटिकेट द्वारा सर्विस बुक कंप्लीट हेबो, तापरे एम्प्लॉय जे एम्प्लॉय को सही सर्विस बुक अपडेट कराइक एक SMS जी। दि एम्प्लॉय कंसर्न्ड कैन सजेस्ट करेक्शंस इफ एनी विथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस विद इन 15 days। जदि किसी भूल थी तेल करेक्शन करने एम्प्लॉय मान को सुजोग दिजिव एवं 15 भितर करेक्शन करदी किसी आवश्यक रही से संबंधी डॉक्यूमेंट्स
सबमिट करी करेक्शन करा जिवो करेक्टेड एंट्री साल अगेन बी ऑथेंटिकेटेड बाय ईओ आफ्टर व्हिच ई सर्विस बुक विल बी एक्सेसिबल टू दि एम्प्लॉई फॉर व्यूइंग ओनली। करेक्शन कर सारा पर एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर पुणी थे ऑथेंटिकेट करेंगे। डिफरेंट मॉड्यूल्स हैव बीन पुट इन प्लेस इन एचआरएमएस व्हिच मैनेज एंड रेगुलेट दि सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑल एक्टिविटीज लाइक पोस्टिंग ट्रांसफर डीपी इंक्रीमेंट सैंक्शन ऑफ लीव एटसेट्रा शाल बी मेड ऑनलाइन इन रेस्पेक्टिव मॉड्यूल। तो यही सर्विस बुक रे कर्मचारी मानकर पोस्टिंग तारीख ट्रांसफर केबे होइथिले से मानकर इंक्रीमेंट एवं छुट्टी रो सैंक्शन समस्त तथ्य एथरे रहिबो। दि रिलेवेंट डाटा फ्रॉम सच मॉड्यूल शाल ऑटोमेटिकली बी ट्रांसमिटेड टू दि ई सर्विस बुक एंड अपडेटेड डायनामिकली हेन्स आफ्टर दि लेगेसी डाटा इज अपलोडेड एंड अपडेटेड इन द ई सर्विस देयर विल बी नो मैनुअल हैंडलिंग ऑफ अ सर्विस बुक। जेतेबेले ई सर्विस बुक रो अपडेटेशन सरिबो सेतेबेले अन्य कोनोसी मैनुअल सर्विस बुक रो कार्यकारी आउ हेबो नाही बा फिजिकल सर्विस बुक रो आउ कोनोसी वैलिडिटी रहिबो नाही। ए यूजर मैनुअल एंड फैक हैज बीन प्लेस्ड इन ऑन द एचआरएमएस पोर्टल व्हिच कैन बी रेफर्ड बाय द एम्प्लॉइज ए हेल्प डेस्क एट सीएमजीआई कैन बी सॉरी हैज बीन मेड फंक्शनल एट टेलीफोन नंबर 0674257015 और 0674257241 फ्रॉम 10 AM टू 8 PM। जदि कौनसी कर्मचारी किसी असुविधा हुए तो सका 10 रु राति 8 पर्यंत यही नंबर कॉल करी समस्त विषय खबर नहीं पारे। ऑन एवरी वर्किंग डे टू एड्रेस एनी क्यूरीज फ्रॉम ईओज और डीडीओज इन दिस मैटर। यही नंबर रे सका 10 रु राति 8 वर्किंग डे गुड़िक फोन करी निजर समस्या को जनईपारे। ऑल द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स मे बी इंस्ट्रक्टेड फॉलो दि एबव गाइडलाइंस एवं अधस्तन ऑफिस गुड़िक गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने कह। तो यह एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट थिला। तो चलो जीवा नेक्स्ट अपडेट को। ओटीटी परीक्षा एप्रिल 9 कटक माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 परीक्षा आगामी एप्रिल 9 तारीख शुक्रवार दिन अनुष्ठित हेब। दुईटी पर्यायर होगा यह परीक्षा पेपर वन पूर्वाह्न 8:00 to 10:30 जाए और पेपर टू मध्यान 12:00 to 2:30 जाए परिचालित हेब। परीक्षार्थी मैंने बोर्ड वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रु रजिस्ट्रेशन नंबर बा ईमेल प्रदान करी मार्च 31 तारीख ठारु एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। बोर्ड पक्षर कौन मुद्रित एडमिट कार्ड जगै दिजा ना तेणु परीक्षार्थी मैंने अनलाइन जरिए डाउनलोड कर एडमिट कार्ड ही परीक्षा व्यवहार करें। पढ़ा अथवा लेखिवा निमंत सक्षम नथिबा परीक्षार्थी मैंने 5 दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र अधीक्षक निकट आवश्यक कागजपत्र ओरिजिनल दाखल करी तांको खातारे लेखिबा पई जने सहायक को अनुमति देवा निमंत आवेदन करें। संप्रक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक जिला शिक्षाधिकारी परामर्श करी ए बाबद निष्पत्ति नेबे। एथिसह कौनसी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करा जाई पारिबो नाही बोली बोर्ड पक्षर मध्ये सूचना दिया जाइछि। तो चलित बर्ष ओटीटी परीक्षा रे 2 पेपर रे राज्य रे 120,000 परीक्षार्थी परीक्षा देबे बोली बोर्ड पक्षर सूचना मध्ये मिलिछि। परीक्षा लागि बोर्ड पक्षरु राज्य रे मोट 491 परीक्षा केन्द्र स्थिर कराई जिला मुख्यालय रे थिबा स्कूल एवं सदर महकुमा रे परीक्षा केन्द्र कराइथिबा सूचना मध्ये मिलिछि। तबे कोविड कटकणा रहिथिबारु एहाकु दृष्टि रखी बोर्ड पक्षरु ओटीटी परीक्षा रे किछि कटकणा रहिछि। परीक्षा केन्द्र को जिबा लागि मास्क बाध्यतामूलक रखाइछि। सेहिपरि परीक्षा केन्द्र रे सानिटाइजर उपलब्ध रखिया पई परीक्षा केन्द्र दायित्व थिबा अधिकारी मानकु निर्देश दिया जाइछि। थंडा ज्वर आदि लक्षण थिबा परीक्षार्थी मानंकु अन्य परीक्षार्थी ठारु दूरई सीट पका जिवा लागि व्यवस्था रहिछि। ओएमआर पद्धति रे परीक्षा हेबो। गत वर्ष ऑनलाइन रे परीक्षार ऑब्जेक्टिव प्रश्नपत्र बहुत त्रुटि हेबारु चलित वर्ष ऑफलाइन रे परीक्षा करा जाउछि बोली बोर्ड पक्षरु कुहा जाइछि। तो यह एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट थिला। चालन जिवा नेक्स्ट अपडेट कु। अंतिम अपडेट रही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक तरफ एक नोटिफिकेशन नंबर रही
25 डेटेड रही 15/3/2021। इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑफिस नोटिफिकेशन नंबर 247 डेटेड 25/2021 ऑनलाइन एनरोलमेंट ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स इज हियर बाय एक्सटेंडेड टिल 30/3/2021 फॉर डिपॉजिट ऑफ फी एंड 31/3/2021 मिडनाइट फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी अलाउड। तो नवम क्लास पिलांकर एनरोलमेंट रो तारीख घुंचा जाइछि जहां 30/3/2021 पर्यंत घुंचा जाइछि एवं फी सबमिशन बा फाइनल सबमिशन 31/3/2021 मिडनाइट को रखा जाइछि। कॉपी सबमिटेड टू द डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन टी एंड एसीआरटी डायरेक्टर ओसेपा डायरेक्टर क्रामसा फॉर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। कॉपी फॉरवर्डेड टू द पीएस टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर फॉर फेवर ऑफ काइंड इनफॉर्मेशन। कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट फॉर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। दे आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट द सेंटर्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एदर आर द ई विद्यालय बीआरसीसी ऑफिस ऑफ द डीओस ऑफिस ऑफ द डीपीसी और गवर्नमेंट एसटी स्कूल्स एंड डाइट्स। ऑल ऑफ कॉपीज फॉरवर्डेड टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग जोनल ऑफिसर्स ऑफिसेस लीगल रिटेनर्स बीएससी ओडिशा एंड हेडमास्टर्स एसपी हाई स्कूल कटक फॉर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। पीएस टू प्रेसिडेंट पीएस टू वाइस प्रेसिडेंट एंड पीए टू सेक्रेटरी एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। कॉपी फॉरवर्ड टू द मैनेजर एक्सिस बैंक कटक फॉर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। द लिंक फॉर पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फी मेड लाइफ टिल 30/3/2021 11:45 PM। मते सपोर्ट करथिबारु आपण मानको अशेष अशेष धन्यवाद। किंतु ता पूर्वरु कहि रखिबि प्रथमे मो चैनल टिकु सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करनियंतु फळरे आपण माने लेटेस्ट अपडेट रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। वीडियो टी भल लागुथिले हृदयरु गोटे लाइक एवं वीडियो टिकु शेयर करनियंतु। धन्यवाद।